देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर चंपावत से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में गिरी कार और तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बताते चले चंपावत से, जहां ब्रेक फेल होने की वजह से एक कार खाई में गिर गई और इस हादसे में तीन की दर्दनाक मौत हो गई है। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार में पांच लोग सवार थे और सीएम धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिवारों को मदद का भरोसा दिया है। अमोड़ी खटोली मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर चंपावत से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा और एक कार खाई में गिर गई जिसकी वजह से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसा अमोड़ी खटोली मार्ग पर हुआ है और हादसे की वजह कार का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि घायलों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मृतक के परिजनों के साथ है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, चंपावत के दुधौरी क्षेत्र के पास हुए सड़क हादसे में तीन लोगों की मृत्यु एवं दो लोगों के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। हादसे में घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस हादसे में तीन की मौत की खबर है। और खबर देहरादून से, जहां देहरादून में सीएम धामी ने प्रदेश की आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए कृषि बागवानी उद्योग और व्यापार समूहों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनके सुझाव दिए और संवाद से मिलने वाले बहुमूल्य सुझावों को आगामी बजट में समावेशित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महामारी में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर आ गई। और सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धीरे धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी का भी जिक्र किया और कहा कि हमें झांकी में देशभर में पहला स्थान मिला। इस महामारी में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई, अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई, ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम स्थिर हैं और एक राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको सिद्ध करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो भगवान की कृपा से ये दशक हमारा होगा और वैसे भी हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। अभी अमृत सरोवर योजना में भी हमारा कौन सा तीसरा नंबर क्या था, सेकंड नंबर पूरे देश में आया है। और इस बार की जो कर्तव्य पथ की जो झांकी थी उसमें हमारे को जो है पहले इन राज्य बनने के बाद पहली बार जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बात हरिद्वार की, जहां सुनील राठी का गुर्गा सुशील गुज्जर गिरफ्तार कर लिया गया और गैंगस्टर सुनील राठी के साथ फरवरी में मांगी थी रंगदारी। प्लॉट के मामले में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर सुनील राठी का गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशील गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले आपको कि प्लॉट के मामले में 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी और सुशील से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी पिस्टल भी बरामद की गई है। हरिद्वार सहारनपुर में कई मुकदमे दर्ज हैं और इस पूरे मामले को लेकर यह कार्रवाई देखने को मिली। हरिद्वार में सुनील राठी के गुर्गे सुशील गुज्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर सुनील राठी के 7 फरवरी में प्लॉट के सिलसिले में 50 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी और सुशील गुज्जर का हत्या समेत गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज है। सुनील राठी ने उनको फोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुजर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी सीआईयू और एसओजी टीम है और सेटकुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया चूंकि उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुज्जर जो पूर्व से उस पर हत्या और काफी सारे मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी की गई है।
उधर पहाड़ में भी होली की रौनक देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लोग होली के रंगों में इस तरह बोर हैं, सीएम धामी से लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत तक सभी होली का रंग सब पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा। देखिए पहाड़ में भी होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। देहरादून से लेकर हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर बागेश्वर, चारों तरफ होली का रंग चढ़ा है। क्या राजनेता और क्या आम लोग, सभी होली के हुड़दंग में शामिल हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी की माता वैष्णा देवी समेत अनेक मातृशक्तियों ने लोकगीत गाए। सीएम धामी ने मातृशक्तियों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इधर हरिद्वार के भील इंटक द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने भील कर्मियों के साथ फूलों की होली खेली, होली के गानों पर थिरकते हुए भी नजर आए। साथ ही प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली की सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े लंबे ये कोविड काल के बाद लोग इतने उन्मुक्त भाव से होली मना रहे हैं। बागेश्वर में खड़ी और बैठकी होली की धूम मची है। शहर से लेकर गांव में चारों ओर रंग गुलाल से जिला मुख्यालय समेत अन्य तहसील कस्बे होली के रंगों की मस्ती में डूबे हैं। स्थानीय लोग मंदिरों से लेकर अपने मोहल्लों और वार्डों में ग्रुप में होली गायन कर रहे हैं। बाबा बागनाथ मंदिर में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी बागेश्वर ने शिरकत कर होली के गीत गाए। इस मौके पर नगर के कई वार्डों से महिलाएं होली गायन में पहुंची। उत्तरकाशी में भी होली का रंग चढ़ा है। बाजारों में दुकानें भी सजकर तैयार हो गई हैं। बच्चों के खिलौनों से लेकर रंग बिरंगी बांसुरी, फौजी डिजाइन पिचकारी, वाटर कार्टून टैंक, गुब्बारे, कार्टून मुखौटे, ये सभी बाजारों की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इस होली में जो है जो भी ग्राहक आ रहा है वो सब जो है स्वदेशी माल मांग रहे हैं, और उसमें जो है हमारे पास स्वदेशी पिचकारियाँ और हर्बल कलर और जो कई उसमें है फ्रूट कलर है, ये सारे कलर जो है समय जो हम बेच रहे हैं। देहरादून में भी कुमाऊं की खड़ी होली की रौनक दिख रही है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में खड़ी होली खेली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने होली खेली। भक्तों ने महादेव को अबीर गुलाल चढ़ाया। लोक नृत्य के साथ होली मनाते दिखे लोग। टीम न्यूज स्टिक। देहरादून स्थित राजभवन में वसंतोत्सव का आयोजन किया गया, और वसंतोत्सव में तरह तरह के फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। कुल 158 प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी को रखा गया, और इस प्रदर्शनी के जरिए सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को फूल पत्तियों के बारे में जागरूक करना है और उनके प्रति लगाव पैदा करना है। पेड़ पौधों से टूटते लगाव के बीच सरकार की तरफ से ये अद्भुत प्रयास किया गया, और राजभवन में लगी प्रदर्शनी में कई पौधे मुफ्त में दिए भी गए लोगों को, और वन संपदा के विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से किए गए इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है। वसंतोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और इसलिए सरकार की तरफ से खाने पीने समेत अन्य कई पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो ये फ्लावर एग्जीबिशन के लिए हम लोग आए थे, और यहाँ पर अच्छा मतलब इन लोगों ने अरेंजमेंट करा हुआ है। काफी फ्लावर्स की वैरायटी अंदर है यहाँ पर। हम लोगों ने डहलिया, लिली और ये सब फ्लावर्स, हम लोगों ने रोजेज वगैरह परचेज करे हैं। कुछ हमारे फ्लावर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो सीजनल हैं, कुछ ऐसे हैं जो बारहमासी हैं। तो हर तरह का फ्लावर यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे और भी तरह की स्टॉल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, तो उनको भी विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड की काफी सारी वैरायटी, काफी चीजों की वैरायटी, खाने पीने की वैरायटी भी लगी हुई है, जैसे कि राजमा और वो सब, तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। भोटिया जनजाति पर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर चमोली में भोटिया जनजाति समूह ने जिला मुख्यालय पर विशाल रैली निकालकर आक्रोश जताया। निति और माना घाटी से पहुंचे भोटिया जनजाति की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने शिक्षक भगवती प्रसाद पुरोहित के खिलाफ नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन से शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अचानक दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेसवे पर निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए और देर रात मंत्री के निरीक्षण करने पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने बारीकी से निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया और लोगों से बातचीत की। 2025 तक 6 लेन एक्सप्रेसवे को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के मद्देनजर मंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। निरीक्षण के बाद मंत्री मौके से रवाना हो गए। देखिए तस्वीर, किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद केंद्रीय मंत्री रवाना हो गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के डायरेक्टर श्रीनिवास ने 12 डॉक्टरों के पैनल के साथ बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का निरीक्षण किया और इस कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में बेहतर इलाज हो सके इसी के मद्देनजर निरीक्षण किया गया। बेस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे दूर किया जाए इस पर चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली एम्स में बैठे डॉक्टर कैसे बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट कर सके इस बात पर भी मंथन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक लगा है। आज अब जो बातचीत हो रही है वो डॉक्टर्स को लेकर होगी, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, कि नर्सेज की कमी है, कि अगर टेलीमेडिसिन को यूज करना है तो हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या और टेक्नोलॉजी ऐसे हम कर सकते हैं कि दिल्ली का में बैठे हुए डॉक्टर वहां से कंसल्ट हमारे लोगों को कर सके। तो इस तरह की चीजों को आज वो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे और फिर उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य होगी। अभी जो मेरी से बातचीत हुई वो बहुत पॉजिटिव लगे, मैंने उनको सारी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए मैडम, अब मैं आया हूं तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय खेलो इंडियन नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड का परचम लहराया है। स्नो स्कीइंग और स्नो शो के 400, 800 और 1000 मीटर कंपटीशन में उत्तराखंड की तीनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। गोल्ड के साथ साथ एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। प्रतियोगिता में मेडल जीतकर जब शालिनी राणा अपने घर वापस लौटी तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ शालिनी राणा का हौसला अफजाई किया। मेरा खेलो इंडिया में स्नो शू था 10,000 किलोमीटर और स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया नेशनल में दो था, एक 400 मीटर एक 800 मीटर। मेरा तीनों में सिल्वर मेडल पड़ा है आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से। उधर हरिद्वार पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता, वाहन चोरी को अंजाम दे रहे शातिर को किया गिरफ्तार और पुलिस ने दो वाहन चोरों को पकड़ा है। डिवाइस की मदद से लॉक सिस्टम को करते थे डिकोड और चोरों के पास से तीन कार भी बरामद की गई है। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने को बड़ी सफलता हाथ लगी है और वाहन चोरी को अंजाम दे रहे शातिर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा है। डिवाइस की मदद से लॉक सिस्टम को करते थे डिकोड और चोरों के पास से तीन कार भी बरामद की गई है। हल्द्वानी के बनभुलापुर के रेलवे बाजार में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दे की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि दुकानों में आग लगने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दुकान में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेजी से आग फैली। चूंकि इसमें गद्दे रखे हुए तो फोम के गद्दे थे, सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियां हैं वो पहुंची, फायर टेंडर पहुंचे, सीएफओ खुद मौके पे मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पे आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है लेकिन इसमें दुकान में काफी नुकसान हो गया है, लगभग उनका सभी सामान जल गया है। उधम सिंह नगर की काशीपुर पुलिस ने अफीम के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने हेमपुर रोड पर एक युवक को रोका। पुलिस के रोकने पर युवक भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार किया, तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने युवक के पास से करीब 900 ग्राम अफीम बरामद की और केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
श्री सतविंदर सिंह के बारे में सूचना मिल रही थी कि ये सक्रिय है नशे के कारोबार में। इसी संबंध में कल जो प्रतापपुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली थी और जब इन्होंने इसको रोक करके इसकी तलाशी करवाई तो इसके पास 900 ग्राम अफीम मिली है। इनके ऊपर एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मियों को ट्रांसफर किया। बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ पर अस्पताल में लापरवाही बरतने और घोटाले के आरोप लग रहे थे, जिसमें एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ साथ यहां एनएचएम कार्मिकों के पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल की निजी वाहनों में डाले जाने की शिकायत थी और सभी आरोप सही पाए जाने पर सीएमओ ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का ट्रांसफर किया। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।